चरखी दादरी से जहां पर धरने पर बैठे किसान की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर किसान बैठा था और किसान को शहीद का दर्जा मिले, ये प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है। ढाणी फोगाट में धरने पर ये किसान बैठा था। बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर किसान की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चरखी दादरी से धरने पर बैठे किसान की मौत हो गई है। धरने पर बैठे किसान की मौत हो गई है। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर एक किसान बैठा था जिसके तो किसान की मौत हो गई है। अब जो प्रदर्शनकारी किसान है उनकी मांग है कि किसान को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो चरखी दादरी से यह खबर हम आपको बता दें। गंगेड़ी तक 152 डी जो ग्रीन कॉरिडोर है उसकी मुआवजे की वृद्धि की मांग को लेकर दादरी जिले के 17 गांव के किसान लगातार 6 महीने से धरनारत हैं और जिस तरह यहां पे किसान अपनी मांग को उठा रहे हैं, आज यहां पे ढाणी फोगाट में जो धरना चल रहा है एक किसान की यहां पे मौत हो गई जिसको लेकर फिलहाल यहां पे किसान बैठे हुए हैं और रणनीति पूरी तैयार की जा रही है। अगर इस बारे में हम बात करते हैं यहाँ किसानों से तो किस तरह की हुआ ये? देखिए, जो किसान था ये पिछले तकरीबन 6 महीने से वो मैं रामनगर रहने पर और पिछले 1 महीने से यहाँ पर ये लगातार अपनी ज़मीन के सही मुआवजे के लिए संघर्षरत था, प्रयासरत था। काफ़ी ये तनाव में रहता था, इसके बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं और उसी तनाव के चलते आज इनका सुबह दूरा इनको पड़ा और इससे इनका भविष्य की चिंता। अगर फिलहाल ये बात की जाए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह डेथ हुई किसान की, तो उसमें आगे फिलहाल किसान किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? इधर देखिए, पहले तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसान की मौत सरकार ने ले ली और इसका जवाबदार सरकार है, हरियाणा सरकार और प्रशासन है इसके जवाबदार, क्योंकि रात दिन इस आदमी ने मेहनत कर अपने बच्चे को पोल पास रहा था और रोजी रोटी थी इसके लिए और वह इस रोड ने 2 एकड़ जमीन थी, दोनों के दोनों एकड़ जमीन। अगर बात की जाए फिलहाल यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कोई पहुँचा है या फिर किस तरह की रणनीति क्या है? यहाँ पे 1 महीने से पहले भी हमारे यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा और आज बड़ी शर्म की विषय है ये कि अभी सुबह 7:30 बजे जो है ये किसान पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्षम अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा है। देखिए, इनका किसानों का ये कहना है जिस तरह यहाँ किसान की डेथ हुई उसके बाद में हालांकि कुछ पुलिस के कर्मचारी पहुँचे थे लेकिन उनको बैरंग लौटा दिया गया। फिलहाल यहाँ पर किसान आगामी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर फिलहाल नहीं पहुँचे हैं और पूरा विचार विमर्श करने के बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ चरखी दादरी से मैं प्रदीप साहू, खबरें अभी तक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप साहू, जानना चाहेंगे आपसे, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा है? इसके अलावा क्या किसी के संज्ञान में ये मामला आया है? क्योंकि किसान की मौत होना वाकई एक बड़ी खबर है और वाकई प्रशासन को इस पर जरूर सुध लेनी चाहिए। बिल्कुल दीपिका, जिस तरह ढाणी फोगाट में ये किसान है करीब 1 महीने से ग्रीन कॉरिडोर के अधिकार जो जमीन है उसका मुआवजा वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और जिस तरह रात दिन यहाँ पे धरने पर, ये गांव ढाणी फोगाट निवासी करीब 56 वर्षीय रामुतार जो किसान था वो रात दिन यहाँ धरने पर बैठा हुआ था और किसान की करीब 2 एकड़ जो जमीन थी वो अधिकार जो जमीन की गई है उसमें जो शामिल थी और जो इनका ये कहना की जिस तरह आज सुबह किसान की यहाँ पे डेथ हुई धरने पर, उसके बाद सूचना देने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा है और ना ही यहाँ ना कि यहाँ पर कुछ पुलिस के कर्मचारी पहुंचे थे लेकिन किसानों द्वारा उनको वापस बैरंग लौटा दिया गया। और फिलहाल अगर बात की जाए या किसान जो आगामी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और किसानों ने यहाँ पे मीटिंग करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो किसान मृत जो किसान है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ऐसा सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो ये शव को नहीं उठाएंगे और लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। किसानों के इस पर और क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि लगता है कि जो ये रणनीति है जो कि 152 डी अधिग्रहित जमीन के लिए भी काफी समय से किसान अपनाते नजर आ रहे हैं, कारगर साबित होती नहीं दिखाई दे रही है। देखिए दीपिका, ये नारनौल से गंगेड़ी तक करीब 230 किलोमीटर की ये अधिग्रहित जो जमीन है यहाँ पे नेशनल हाईवे
का जो निर्माण होना है उसको लेकर ये दादरी के गांव रामनगर और डानी फोगाट में धरने पर बैठे हुए थे। एक महीने से जिस तरह धरने पर बैठे हुए थे, यहाँ किसान की मौत होने के बाद यहाँ पर आसपास के जो किसान है वो धरने पर जुट गए हैं और यहाँ पे सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया है कि भी उनको इनकी जो मांग है वो पूरी हो, वरना यहाँ से सब को नहीं उठाने दिया जाएगा। और साथ के साथ उनका ये कहना है कि आसपास के अन्य किसानों को और खापों को भी उनको समर्थन में लिया जाएगा। जी प्रदीप साहू, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि धरने पर बैठे किसान की मौत हो गई है। इंग्विड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को, बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर किसान की मौत हो गई है। धरने पर एक किसान बैठा था, ढाणी फोगाट में धरने पर किसान बैठा हुआ था। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें चरखी दादरी से, जहां पर धरने पर बैठे हैं किसान, और यहां पर एक किसान ऐसा भी जिसकी मौत हो गई है, जिसको लेकर जो प्रदर्शनकारी किसान है उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनकी मांग है कि शहीद का दर्जा इस किसान को दिया जाए। किसान की धरने के वक्त मौत हो गई और शहीद का दर्जा दिया जाए, ऐसा कहना है जो प्रदर्शनकारी किसान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप हैरानी की बात है, देखिए कि अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा है।